it's not that humans are absolutely disgusting or humans are absolutely good or society is absolutely disgusting or society is absolutely good it's that it's good in parts it's bad in parts okay. so we'll talk about the psychology of joker it's a very interesting psychology well bro when i'm starting off an explanation no especially something like this it's so interesting because merely it is almost like setting up a chess puzzle

रिमेंबर दिस वर्ल्ड दर दैट यू सी इन द वर्ल्ड इज एन एक्सट्रीमली 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 फ्रेजाइल ऑर्डर हिज आर्ग्यूमेंट इज वेरी सिंपल तुम जो चीजें करके अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते हो वो एक बहुत ही फ्रेजाइल ऑर्डर है और अगर उसमें एक भी आदमी ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया तो तुम्हें इंसान का असली चेहरा दिख जाएगा सिंपल दिस इज जोकर एंड ऑफ स्टोरी कि मैं एक धक्के से सिर्फ यह प्रूव करना चाहता हूं एट द एंड आदमी अपनी भलाई चाहता है बाकी सब भाड़ में जाए उसके लिए ही वॉन्ट्स टू शो वॉट जोकर थिंक्स इज द रियल फेस ऑफ ह्यूम विच इज एब्सल्यूट प्योर के ऑस एंड आईम टॉकिंग अबाउट डार्क नाइट वाला जोकर विच आई थिंक इज द रियल जोकर दूसरी वाली जोकर वाली पिक्चर बकवास मेंटल हेल्थ ग्लोरिफिकेशन आई डिड नॉट लाइक इट दैट मच देखो एक सैड आदमी सैड आदमी की जिंदगी किसको देखना नहीं पसंद आगे बढ़ो द द इज वेरी सिंपल ऑर्डर इन द वर्ल्ड इज एन एक्सट्रीमली फिल्मी एंड ऑर्डर एंड इट टेक्स ही सेज ओनली वन पुश टू शो एवरीबडी दैट इज नॉट इट सो वॉट जोकर इज ट्राइंग टू डू फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दैट फिल्म इज नॉट टू विन अ बैटल ही इज नॉट ट्राइंग टू विन अ बैटल वो तो कहता है बैटमैन मार दे मेरे को अब मार ना जब वो फाइनली बैटमैन उसको पकड़ लेता है अपनी बाइक पे भाग रहा होता है जोकर रहा होता है कहता है मार मेरे को मार मेरे को बट बैटमैन उसको नहीं मार सकता क्यों क्योंकि बैटमैन को वो ऑर्डर मेंटेन करना है आई एम गेटिंग इनटू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बी वेरी केयरफुल हियर केयरफुलर वील गेट इन जोकर इज नॉट ट्राइंग टू फाइट अ लिटरल वॉर जोकर इज फाइटिंग वॉट इज कॉल्ड अ सिंबॉलिक वॉर उसको सिर्फ सिंबॉलिकली ये प्रूव करना है चाहे वो उसके लिए खुद मर भी जाए कि दुनिया एक्चुअली झूठा ऑर्डर लेआउट करके बैठी हुई है उसको जी, जीते हुए खुद के बारे में भला फील कर रही है ये देखो बैटमैन तुम्हारा अल्टीमेट सिंबल ऑफ ऑर्डर उसने भी मेरी जान ले ही ली आखिर होकर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो मर जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके प्लान किस डायरेक्शन में सक्सेसफुल हो उसको सिर्फ यह दिखाना है आदमी अपनी सोचता है आदमी अपनी सोचता है घटिया लेवल पे तो वो जब हार्वी डेंट और रेचल को बंद कर देता है द ट्रिक ही प्लेज इज फिनल कि तू उसको बचा सकता है तू उसको बचा सकता है बैटमैन किसको बचाने जाएगा इवेंचुअली मैं बैटमैन को तोड़ दूंगा इतना कि वो अपने ऑर्डर के पिंजरे से बाहर निकले और के ऑस दिखाए अपनी दैट इज जोक इंटायर गेम ऑल द गेम्स इज ट्राइंग टू प्ले इंक्लूडिंग बर्निंग दैट मनी इंक्लूडिंग लाइक ऑलमोस्ट किलिंग दीज पीपल जो वो गैंगस्टर्स होते हैं वट एवर ही ट्राइंग टू डू इज लाइक तुम ये जो पतली सी पर्दे की दीवार के पीछे छुपे बैठे हो ना ऑर्डर के पिंजरे में और कह रहे हो ह्यूमैनिटी कितनी बढ़िया है और ये और वो सब झूठ है एक्चुअली तुम सब घटिया हो इज 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 द सेम एस काफका एस्क नो काफका एस्क इज काफका एस्क इज अ ट्रैप यू कैनॉट स्केप काफका एस्क इज अ सर्क्युलर लॉजिक दैट यू कैनॉट स्केप सो दैट इज द आर्ग्यूमेंट एंड यू सी जोकस नॉट इंटायरली रॉन्ग जोकर नॉट इंटायरली रॉन्ग इनफैक्ट ये डिस्कशन इन फिलोसफी कि हमारा नेचर बुरा है और सोसाइटी हमें अच्छा कर देती है या हमारा नेचर अच्छा है और सोसाइटी हमें जंगली कुत्ता बना देती है सोसाइटी मतलब कल्चर मतलब रिलिजन मतलब मिथॉलॉजी मतलब वैल्यूज बहुत लंबी डिबेट है ये इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट इन वेस्टर्न साइकोलॉजी पोस्ट एनलाइटनमेंट वेरी वेरी लॉन्ग डिबेट एंड आई एम फॉर इसको कौन हेड करता है जॉन स्टूअर्ट मिल और दूसरा पता नहीं कौन है आई थिंक मिल है और दूसरा आई एम फॉर गेटिंग अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हैं इसको लेके बट द आइडिया इज दैट इट्स नॉट दैट ह्यूमन्स आर एब्सोटली डिस्कस्टिंग और ह्यूमन्स आर एब्सोटली गुड और सोसाइटी इज एब्सोल्यूटली डिस्कस्टिंग और सोसाइटी इज एब्सोलूटली गुड इट्स दैट इट्स गुड इन पार्ट्स इट्स बैड इन पार्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड योर माइंड इज नॉट मेड फॉर इन्फिनिट एविडेंस कलेक्शन एंड यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी सो इट्स नॉट दैट कि जोकर कहता है वो मैंने देख लिया है तुम्हारी बुराई क्योंकि तेरे अंदर वो कालिक है तूने वह बुराई पहले देखी तूने अच्छा इग्नोर कर दी सो so, जोकर इज एक्टिंग आउट ऑफ अटिव परसेप्शन दैट इज हाउ द व्यू ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन मेड फॉर वट एवर सर्कमस्टांस एंड यू नो वी कैन गेट इन टू फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट तो क्या नेचर है सोसाइटी का और इंसान का उसको छोड़ो मैं जोकर प्रॉब्लम पर बात कर रहा हूं इंसान घटिया है और इंसान बहुत बढ़िया है और ये सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हम देखते हैं टुवर्ड्स एंड जब वो बोट में बैठे होते हैं एक सिविलियन बोट होती है एक प्रिजनर बोट होती है प्रिजनर बोट में इवेंचुअली आदमी कहता है भाई हम तो अच्छा ही वाला रास्ता लेंगे जबकि वो सपोजिटली सबसे बुरे आदमी है और जो सबसे अच्छे आदमी है वो कह रहे हैं ये बुरे आदमी इनको मार दो इवेंचुअली पिक्चर में दिखाते हैं कि वो भी बाहर फेंक देता है कि यार चल हमसे नहीं हो रहा वी कांट किल पीपल और उस पर भी जोकर क्या करता है कहता है मैंने इनको बोला तो ये बॉम्ब दूसरी वाली शिप में लगे हुए हैं सेम शिप में बॉम्ब लगे होते हैं ही इज जस्ट ट्राइंग टू chaos के एंड and एंड chaos ऑर्डर and की बैटल में ना के ऑस to विन वंस जो एक वो कहानी नहीं है मोहम्मद गजनी की और महाराणा प्रताप की कि गजनी अफगानिस्तान से आता था तुम में से किसने सुनी है द स्टोरी इज कि गजनी या गौरी जो भी था वो अफगानिस्तान से यहां आता था महाराणा प्रताप उसको रस्ते में मिलते थे पीट के भगा देते थे वो फिर जाता था फिर आता था कुछ महीनों बाद फिर उसको भगा देते थे फिर आता था फिर भगा देते थे फिर आता था फिर भगा देते थे इवेंचुअली क्या हुआ उसको गजनी आया गजनी हरा के ले गया एंड ट दैट रेप्रेजेंट सॉट ऑफ द बैटल बिटवीन ऑर्डर एंड के ऑस के ऑस नीड्स टू बन ओनली वंस जोकर ड नॉट केयर रेचल मर जाए रेचल मर जाए हमें क्या है हमें तो बैटमैन को बस पुष करना है एज के पार ये हो जाए वो लोग मर जाए मर जाए हमें क्या है नहीं मरे कोई बात नहीं हम कहीं और कर देंगे उसका सिर्फ एक सिंपल प्लान है मेरे को एक बार वो दीवार तोड़नी है और वो हार्वी डेंट के साथ ऑलमोस्ट वो दीवार तोड़ भी देता है इसीलिए वो अपना लास्ट में टारगेटेटेटेटेट बदल लेता है कहता है मैं हार्वी डेंट के पीछे जाऊंगा कह रहा है हार्वी डेंट को मैंने प्योर के ऑस बना दिया टू फेस प्योर रैंडम कॉइन फ्लिपर बना दिया मैंने उसको बकायदा ही इज लाइक मैंने गौतम की ऑप्टिमिज्म की मां बहन कर दी एंड ही इज वेरी हैप्पी विद दैट जीनियस यार आई थिंक वोट यू माइट रियलीकटेंट इज पॉप चैनल पे जाओ प्लेलिस्ट सर्च करो पॉप फिलोस आई रिव्यू फिल्म एंड आई ब्रेक डाउन अफी फ्रॉम दो